हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट ग्रह कौशल का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ग्रह प्रबंध। ठीक है, ग्रह प्रबंध। तो आज मैं आपको चैप्टर 11 का सॉल्यूशन कराऊंगी अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कराती हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मच्छर की प्रजातियाँ होती हैं कैसी? क्यूलेक्स, एनोफिलिज या एंडीज या उपयुक्त सभी। तो मच्छर की प्रजातियाँ कैसी होती हैं? ये सभी हैं जो क्यूलेक्स, एनोफिलिज, एंडीज, ये सभी मच्छर की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा घा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, कागज़ व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला बना देता है। मच्छर, दीमक, मक्खी या खटमल, ये तो सभी को पता होगा कि वो कौन सा है जो कागज़ व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला बना देता है। कौन है वो? दीमक। उसके बाद है हमारे पास अति लघु प्रश्न। अति लघु में पहला प्रश्न है, घर में नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं दो कीटाणुओं के नाम लिखिए। तो वो कौन कौन से कीटाणु हैं जो घर में नुकसान पहुंचाते हैं? एक तो मच्छर है और एक दीमक। यहीं से ले लेंगे हम, एक मच्छर और एक है दीमक। ठीक है, एक मच्छर और एक दीमक। मच्छर है एक और एक दीमक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है? ठीक है, तो दीमक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो क्या है ये, दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है, देखो, दीमक अक्सर सीलन युक्त घरों की नींव व दीवारों में रहता है। यह कागज और लकड़ी के सामानों को खा खा कर अंदर से खोखला कर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लघु क्वेश्चन। लघु में क्या है पहला, नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के दो दो उपाय लिखिए। मच्छर, खटमल और मक्खी, इनसे बचाव के दो दो उपाय लिखने हैं। तो देखो, मच्छर से बचाव के उपाय हैं, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए, घर के आसपास पानी का भराव ना होने दें। ठीक है, उसके बाद है खटमल से बचाव के उपाय। कौन कौन से हैं? ऐसे फर्नीचर जिनमें खटमल पड़े हों, उनके दरारों में किरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। ठीक है, और मक्खी से बचाव के उपाय क्या हैं? खाने की सामग्री और पीने के पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए, घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लघु सेकंड। इसमें क्या है, वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी? कपड़ों के नाम, कपड़ों की संख्या, धुलाई का रेट, कपड़ा देने की तारीख, कपड़ा वापसी की तारीख तथा कपड़ा धोने वाले का नाम एवं पूरा पता लिख लेना चाहिए, और धोने वाले को दिए पैसे का हिसाब तारीखवार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। ठीक है, अबे हमारे पास दीर्घ। दीर्घ में क्या है पहला, घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक है? तो देखो,
घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना बहुत आवश्यक है। घरेलू खर्चे का हिसाब रखकर जहां एक ओर हम अपने आय व्यय में संतुलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय से कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, दीर्घ का खा क्वेश्चन। कीटाणुओं से बचाव के लिए कितने प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है? इनके प्रयोग करने के तरीकों को लिखिए। तो क्या है वो? कीटाणुओं से बचाव के लिए सूर्य की रोशनी, वायु और खौलते हुए जल के अलावा रासायनिक पदार्थ जैसे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, क्लोरीन टैबलेट व नेफ्थलीन की गोलियां आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है? अपने मम्मी पापा से पता करिए कि आपके घर की मासिक आय क्या है। अब इस आय के आधार पर अपने घर का मासिक बजट बनाइए। आप घर की उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जाते होंगे, वहाँ आपने दुकानदार को एक एक चीज़ों का हिसाब रखते हुए भी देखा होगा। दुकानदार से बात करें और पता करें कि वह अपनी दुकान का हिसाब कैसे रखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद करना है, ये लिखना नहीं है कॉपी में। तो मैंने आपको चैप्टर 11 का सॉल्यूशन करा दिया है। अगला चैप्टर हमारे पास 12, चैप्टर का नाम है धुलाई कला। ठीक है, तो चैप्टर 11 का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ।